हाँ जी, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि आप सेकंड मॉड्यूल की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट मॉड्यूल आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम ही सेकंड मॉड्यूल सीधा स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कंपनी लॉ कवर नहीं किया। तो जी, आपके मॉड्यूल में सबसे पहले दे रखा है अबाउट इक्विटी शेयर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा जी, इन्होंने बता रखा है कि इक्विटी शेयर्स जो है वो भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं या नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, राइट। और प्रेफरेंस शेयर्स की इन लोगों ने डिवीजन दे रखी है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये सारी डिवीजन आपके बुक में दे रखी है, ऑल दो डिटेल में नहीं दे रखी। लेकिन अगर आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे इन चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मान के यही चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं है किसने कंपनी लॉ में ये चीजें कवर की है अभी तक, किसने नहीं कवर की है, तो मानकर यही चलेंगे कि आप लोगों ने कवर नहीं की, ठीक। तो कुल मिला के जब हम सिक्योरिटी लॉज पढ़ते हैं तो एक्चुअल में सिर्फ सिक्योरिटी लॉज नहीं पढ़ते, सिक्योरिटी लॉज और कंपनी लॉज दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जी, हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की, एक्चुअल में सेक्शन नंबर 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जी, सेक्शन 43 हमें कहता है कि किसी भी कंपनी में दो ही तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 में आप लोगों को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप साथ साथ पूछ लीजिए, ठीक है। तो सेक्शन 43 इज काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो जी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी ऑफ टू काइंड्स, नेमली इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फर्दर इन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल में भी इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, या फिर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आपको रखना है कि जब हम सिक्योरिटी लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, सिंपल सी बात। तो जी, हम लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो लिस्टेड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, सिर्फ दो ही तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है। सर, प्राइवेट कंपनीज में क्या कोई और शेयर कैपिटल हो सकती है विद एनी अदर करेक्टरिस्टिक? द आंसर इज यस। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया है कि जी, प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन डाल सकती है कि सेक्शन 43 शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अवर कंपनी, और अगर उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन होगा तो उस केस में सेक्शन 43 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी ऐसे शेयर्स इश्यू कर सकती है जिसकी करेक्टरिस्टिक इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से अलग हो, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एग्जम्पशन सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए दी गई है और लिस्टेड कंपनीज पब्लिक कंपनीज, राइट। तो जी, इक्विटी शेयर हमने कहा या तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होंगे या फिर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, जिन्हें हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, डीवीआर, राइट। तो आप कहीं भी डीवीआर पढ़ेंगे तो समझ जाइएगा किसकी बात की जा रही है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। उसके अलावा इन्होंने कहा जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है। तो सबसे पहले इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब घर वाले, घर के मेंबर्स, राइट, जो कि घर को छोड़कर नहीं जाते। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब कहता है जी, मेहमान, जो कि कुछ टाइम के लिए कंपनी में आए हैं और कुछ टाइम के बाद कंपनी छोड़कर जाएंगे। तो जी, कंपनी लो ने कहा अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉर 20 ईयर्स। इसका मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे विद इन 20 ईयर्स कंपनी को वापस करने ही करने हैं, जिसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है कंपनी से अपने पैसे वापस मांगने का। ऑल दो कंपनी के पास राइट है, अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स आपसे बायबैक कर सकती है, राइट, लेकिन आपके पास कोई राइट नहीं है कंपनी से अपने पैसे वापस मांगने का। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि आप कंपनी के शेयर्स सिक्योरिटीज मार्केट में किसी और को सेल कर सकते हैं, ठीक। तो
जी हमने कहा नॉर्मल इक्विटी शेयर्स का मतलब कहता है जी इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। तो जी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में जनरली क्या होता है कि वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, वन शेयर इज इक्वल टू वन डिविडेंड, राइट। बट डीवीआरस हम कह रहे हैं जी इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, जो डिफरेंस है दैट मे बी विद रिगार्ड टू डिविडेंड, दैट मे बी विद रिगार्ड टू वोटिंग राइट्स और अदरवाइज। यही कहा हुआ है सेक्शन ने, ध्यान से देखिए, विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज, राइट। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसे इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। तो वन शेयर इज इक्वल टू नो वोटिंग राइट, या फिर पॉसिबल है हम ऐसे इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक से ज्यादा वोटिंग राइट है पर शेयर। तो वन शेयर इज इक्वल टू लेट से फाइव वोटिंग राइट्स, ठीक। तो डिफरेंस आ गया जी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में और डीवीआरएस के अंदर। ऐसे ही हम इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, लेट से वन शेयर इज इक्वल टू फाइव डिविडेंड। तो जहां नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को एक शेयर के ऊपर एक डिविडेंड मिलेगा, हो सकता है हम ऐसे डीवीआरएस इश्यू करें जहां पर एक शेयर के ऊपर फाइव डिविडेंड मिले, राइट। तो कुल मिलाकर कंपनी को एक ऑप्शन दी गई, कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज कर सकती है विदाउट डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप। अब जी टर्म्स को थोड़ा थोड़ा टेक्निकल करना शुरू करेंगे जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। विदाउट डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप का क्या मतलब हुआ, हमने कहा जब आप नॉर्मल इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इन मैटर्स के ऊपर वोटिंग राइट्स होते हैं, कहते हैं जी इक्विटी शेयर होल्डर कैन वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन। मैंने कहा जी ये तो घर वाले हैं और घर में कुछ भी समस्या होगी, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो घर वाले तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात है, इनका तो राइट है बीच में बोलने का, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने कहा जी ये तो मेहमान है, कुछ समय के लिए आए हैं, मैक्सिमम फॉर 20 इयर्स, और कुछ समय के बाद जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो इनके पैसे इनको वापस दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरल वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कांट वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, दे कैन वोट ओनली ऑन दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट। कैन वोट only on those matter which are related to preference shares holders। और कंपनी लोगों ने कहा जी मान के चलिए कि winding up of the company की बात कर रहे हैं, या फिर repayment of share capital की बात कर रहे हैं, या फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों केसेस के अंदर ये डीम्ड किया जाएगा, ये डीम्ड किया जाएगा कि जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो इन तीनों मैटर्स के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मैटर है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, ऑन एवरी मैटर। ठीक है जी, अगर हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हमें कहा गया जी देखिए ये तो घर वाले हैं, पहले आउटसाइडर्स के पैसे दिए जाएंगे। आउटसाइडर्स का मतलब क्या हुआ, मान के चलते हैं जी कंपनी को प्रॉफिट होता है 100 रुपए का, तो सबसे पहले तो उनके दिए जाएंगे जिनसे हमने उधार ले रखा है, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जी हमें, राइट। तो इसमें से सबसे पहले क्या लेस किया जाएगा, इंटरेस्ट,
कितना, लेट से 20 रुपीज। फिर हमें कहा गया जी उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या डिविडेंड दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हुआ, कहता है जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, कहता है प्रेफरेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर कंपनी के पास कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। अगर कंपनी कैपिटल रीपे कर रही है चाहे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और अदरवाइज, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल देनी पड़ेगी, अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रेफरेंस रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। तो जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे करने के बाद फिर हमें क्या देखना है, कहता है डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेट से 20 रुपीज, जो बच गया 60 रुपीज, ये किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। किसका है, घर के मालिक का। सिंपल सी बात, जो बच गया वो किसका है, घर के मालिक का, ठीक है। तो जी प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हमने कहा डिविडेंड फिक्स्ड होता है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू। तो जी हम बता देते हैं कि जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स्ड परसेंटेज है या फिक्स्ड अमाउंट है। तो हम कह सकते हैं जी जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर है उसके ऊपर 12% आपको डिविडेंड मिलेगा। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 12 रुपए डिविडेंड मिलेगा, तो मतलब 12 रुपए डिविडेंड मिलेगा। ये हम कह सकते हैं कि आपको फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो डिविडेंड फिक्स्ड होता है, दैट मे बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज और मे बी बेस्ड ऑन द अमाउंट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो भैया तो घर वाले हैं, सिंपल सी बात। तो लॉ ने कहा कि जरूरी थोड़ी ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले, चाहे कंपनी को प्रॉफिट है तब भी ये जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले। लॉ ने कहा देखिए जी इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जो एक्चुअल मेंबर्स है कंपनी के, राइट, जो कि घर वाले हैं, वो अपने बिहाफ पर कुछ मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, जिन्हें हम कहते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, राइट। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन के जी हमें फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए प्रॉफिट को उठा के रखना चाहिए रिजर्व में, राइट, या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो खड़े पाओ, हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए ताकि हम अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, या फिर हमारे पास ऑलरेडी काफी एक्सेस में मनी है और हमें प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी होती है हर कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। तो लॉ ने कहा जी इक्विटी शेयर होल्डर्स कांट डिमांड डिविडेंड, तो जी इनके केस में नो फिक्स्ड डिविडेंड। इनफैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स कांट डिमांड द डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड डिविडेंड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं जी इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस साल कितना डिविडेंड दिया जाना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में उस रिकमेंडेशन को या तो अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब ना तो वो खुद से डिविडेंड डिमांड कर सकते, ना ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना डिविडेंड रिकमेंड किया उससे ज्यादा की डिमांड कर सकते, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में हमने कहा जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। फिर जी हमने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में एक फिक्स टेन्योर के लिए कैपिटल रेज की जाती है, मैक्सिमम फॉर 20 इयर्स,
और जितने टेन्योर के लिए रेस की जाती है उसके बाद हमें प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने पड़ते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अपनी कैपिटल डिमांड नहीं कर सकते टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन कंपनी को ऑप्शन दे रखी है, अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर्स से, ठीक है। फिर जी हमने कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, इनफैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंड द डिविडेंड, और इक्विटी शेयर होल्डर्स वो डिविडेंड अप्रूव कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा मांग सकते हैं, ना खुद से डिविडेंड मांग सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी ईयर के लिए डिविडेंड रिकमेंड नहीं कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ये नहीं कह सकते कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी को हमें डिविडेंड देना चाहिए, इनके पास कोई राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिंपल सी बात, मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। आपने खुद ही तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है कि आपके बिहाफ पर कंपनी के बिजनेस को डायरेक्ट किया जाए, तो इनको डिसाइड करने दीजिए कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द मेंबर्स या फिर उठा के रखना है फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी। उसके अलावा हमने कहा जी इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि घर वाले हैं, घर के हर मैटर में टांग अड़ाएंगे, हर मैटर में बोलेंगे, तो दे हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन ऑन एवरी मैटर। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर मैटर में टांग अड़ाने की परमिशन नहीं है, बाहर वाले हैं, मतलब मेहमान है। बाहर वाले कौन है? क्रेडिटर्स, लेकिन ये अपने ही है लेकिन मेहमान है, कुछ टाइम के लिए आए हैं, तो जी ये उन मैटर्स में इनके पास वोटिंग राइट्स है जो कि डायरेक्टली इनसे रिलेटेड हो, राइट। तो दे कैन वोट ओनली ऑन दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा लोगों ने कहा कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है, रीपेमेंट ऑफ द शेयर कैपिटल है, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, ये तीन ऐसे मैटर्स है जहां हम मानकर चलेंगे कि भैया यहाँ पर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जी इक्विटी शेयर्स नॉर्मल भी हो सकते हैं या फिर डीवीआरएस भी हो सकते हैं। डीवीआरएस का मैंने आपको मतलब बताया डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, राइट, मतलब डिफरेंशियल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग डिविडेंड और अदरवाइज। तो कंपनी को ये ऑप्शन दी गई कि कंपनी चाहे तो ऐसे शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। अब इक्विटी शेयर्स है तो ध्यान दीजिए, चाहे मैं कह रहा हूँ वन शेयर इज इक्वल टू फाइव वोटिंग राइट्स, लेकिन फिर भी दे कांट डिमांड डिविडेंड। क्यों? डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे। तो हो सकता है कंपनी चाहती है कि भैया हमारे पास पता नहीं कब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, लेकिन हम अपने वोटिंग राइट्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, हम ऐसे इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, लेकिन बदले में हम उनको ज्यादा डिविडेंड देंगे अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड रिकमेंड करेंगे, तो उनको नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं देंगे हम उनको। तो मतलब हम लोग यहाँ पर चीजें चेंज कर सकते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हैं जिनके पास कम वोटिंग राइट हो, जिनके पास ज्यादा वोटिंग राइट हो, जिनके पास कम डिविडेंड लेने का राइट हो, जिनके पास ज्यादा डिविडेंड लेने का राइट हो, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कंपनी अपनी कस्टमाइज नीड्स के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को कस्टमाइज कर सकती है, और इस टाइप के इक्विटी शेयर्स को हम कहते हैं डीवीआरएस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई हम इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा, फिक्स डिविडेंड है, राइट। तो हम इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स कांट डिमांड डिविडेंड, लेकिन हम अपने वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तो हम ऐसे इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं जिनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। अब लोग क्यों परचेज करेंगे ऐसे इक्विटी शेयर्स जहां वोटिंग राइट ही नहीं है? हम उनको ज्यादा डिविडेंड का लालच देंगे कि आपको एक शेयर पर चार डिविडेंड मिलेंगे, जबकि नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक शेयर पर एक डिविडेंड मिलता है, राइट। तो हम ऐसा लालच देंगे, तो इस टाइप में चीजों को कस्टमाइज किया जा सकता है और उस टाइप के शेयर्स को बोलते हैं डीवीआरएस, ठीक है जी। अब हमें कहा गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास इन जनरल वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लगातार दो सालों तक डिविडेंड नहीं दिया जाए, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर टू इयर्स, दो सालों का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला,
तो जी उस केस में, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए, उस केस में इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, उस केस में इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन। तो जो वोटिंग पावर नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होगी, वही वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी आ जाएगी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 2 साल का डिविडेंड बकाया है। ठीक है जी। अब आपकी बुक में दे रखा है जी प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, इसका क्या मतलब? पार्टिसिपेटिंग का मतलब है, मैंने आपको कहा कि जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो। ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं, चाहे फिक्स्ड है, चाहे कंपनी को डिविडेंड देना लेकिन है डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी कैपिटल में से डिविडेंड नहीं पे कर सकती। जबकि इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा क्रेडिटर, राइट। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। तो आपको याद रखना है चाहे फिक्स्ड है पर है डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने कहा फिक्स डिविडेंड मिलेगा और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन उनके पैसे उनको वापस दे दिए, राइट। तो जी कैपिटल विल बी पेड बैक टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मान के चलते हैं कंपनी ने 15 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे थे, और जब इश्यू करे थे तो 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया था। कंपनी ने कहा कि आफ्टर 15 ईयर्स आपको हम लोग 110 रुपए देंगे, मतलब 100 रुपए तो आपकी कैपिटल वापस दे देंगे हम, 100 रुपीज तो आपकी कैपिटल हम आपको वापस दे देंगे, उसके अलावा हम आपको 10 रुपीज प्रीमियम भी देंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। कितने साल के बाद? आफ्टर 15 ईयर्स। उसके अलावा जी कंपनी ने कहा कि हम हर साल आपको डिविडेंड देंगे और लेट से 10% फिक्स्ड डिविडेंड। ठीक है। चलिए जी, अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको सिर्फ उनका डिविडेंड मिलने वाला है जो कि 10% है, 100 रुपए का शेयर है, 10% डिविडेंड, मतलब हर साल उनको 10 रुपए डिविडेंड मिलेगा, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन उनको उनकी कैपिटल मिलेगी और जितना प्रीमियम एग्री किया गया है बस वो प्रीमियम मिलेगा, उसके अलावा इनको कुछ और नहीं मिलेगा चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहते हैं जी फिक्स डिविडेंड के साथ साथ जो कंपनी का बचा हुआ प्रॉफिट है, भाई प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे कर दिया, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो एक्चुअल में किसका है? एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर्स का है कायदे से। लेकिन अगर इस प्रॉफिट में इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट, मतलब जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कहे करे थे तो उनको कहा था कि देखिए जी आपको फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा ही 10%, और वो डिविडेंड के अलावा जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें भी लेट से आप 25% पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आपको उसका भी 25% मिलेगा, राइट। कंपनी का जो प्रॉफिट बचेगा जो कि एक्चुअल में कायदे से सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, अगर उसमें भी पार्टिसिपेट करने का राइट है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। इसी तरह अगर मान के चलिए कंपनी कल को वाइंड अप होने जा रही है, कंपनी की एसेट कितनी है? 1,000 रुपए की, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स के पैसे दे दिए,
उसके बाद कंपनी के पास क्या बचा, 1,000 रुपये। अब जी इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे भी दे दिए, लेट से 300 रुपये कैपिटल दे दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। अब कंपनी के पास क्या बचा, 700 रुपये की कैपिटल। तो कायदे से ये किसका है, कहता है जी ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है कायदे से, लेकिन अपनी कैपिटल मिलने के बाद अगर वो बची हुई कैपिटल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, वेदर कंप्लीटली और टू सम एक्सटेंट, तो सच काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। तो जी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस दैट पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट, किसके ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और अदरवाइज। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हो सकता है that in respect of dividend in addition to preferential rights to amount specified above, मतलब जो उनको fixed dividend मिलेगा उसके अलावा preference shareholder has a right to participate whether fully or to limited extent with the capital not entitled to preferential right aforesaid, या हो सकता है कि जो उनको उनकी capital है in respect of the capital, उनकी कैपिटल के अलावा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दे हैज द राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुली और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट विद द कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रेफरेंशियल राइट इन एनी सरप्लस विच मे रिमेन आफ्टर द एंटायर कैपिटल हैज बीन, राइट। तो कायदे से अगर सरप्लस में, चाहे वो प्रॉफिट का सरप्लस है चाहे वो कैपिटल का सरप्लस है, अगर सरप्लस में प्रेफरेंशियल होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको उनकी कैपिटल तो वापस मिलेगी ही, उसके अलावा जो कंपनी के पास सरप्लस है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सच प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। इसी तरह उनको उनका डिविडेंड तो मिलेगा ही, उसके अलावा जो कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है उस सरप्लस प्रॉफिट में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सच काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, ठीक है। फिर आपकी बुक ने कहा कि जी प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्यूमुलेटिव में भी नॉन क्यूमुलेटिव। अब मैं आपको कह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, राइट, और मैंने आपको बताया कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 सालों का डिविडेंड नहीं मिला, पेंडिंग है, तो जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन ऑन विच इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट, राइट। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या हर रेजोल्यूशन पर वोट करने का राइट है, द आंसर इज नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट ओनली ऑन दोज मैटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब जी अगर मान के चलते हैं कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 1 साल का डिविडेंड नहीं दिया, लेट से 2021 का डिविडेंड नहीं दिया, 2021-22 का डिविडेंड नहीं किया, ठीक है जी, उससे पहले साल का भी नहीं दिया था, या लेट से 2018-19 का दिया था, 2019-20 का नहीं दिया, यहाँ का दिया है, 19-20 का नहीं दिया, फिर जी 2020-21 का भी दिया है, थोड़ा सा और लूज लिख देता हूँ, तो जी 18-19 का डिविडेंड दिया, 19-20 का नहीं दिया, फिर 2021 का दिया और 21-22 का नहीं दिया, राइट। तो देखिए दो बारी डिविडेंड नहीं दिया, तो इसका मतलब अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास हर मैटर पर वोट करने का राइट है। अच्छा यहां पर यह कहा गया कि जो अनपेड डिविडेंड है, अगर उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, कि भैया जो डिविडेंड आपने पिछले साल का नहीं दिया वो अगले साल के डिविडेंड में ऐड हो जाएगा और अगले साल आपको पे करना पड़ेगा,
अगले साल का भी मान के चलिए नहीं दिया, तो जितना भी पुराना अनपेड डिविडेंड है वो उससे अगले साल के डिविडेंड में ऐड हो जाएगा और आपको सारा पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पर डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है और नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में ऐड होता रहता है, राइट। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर आपको इस साल का डिविडेंड नहीं मिला और आपका ये अनपेड डिविडेंड खत्म हो गया, आपका राइट नहीं है अब इस ईयर का डिविडेंड मांगने का, तो जिस ईयर का नहीं मिला उस ईयर का डिविडेंड आपका खत्म हो गया, मतलब आपका राइट नहीं है वो डिविडेंड क्लेम करने का, तो इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, ठीक है। तो जहां पर अनपेड डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर एक्यूमुलेट होता चला जाता है, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जहां पर अनपेड डिविडेंड खत्म हो जाता है, आपके पास राइट नहीं है किसी प्रीवियस ईयर का अनपेड डिविडेंड डिमांड करने का, तो इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। तो अब आपको एक लाइन याद रखनी है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये लाइन मैं लिख देता हूं। अगर इफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर साइलेंट, तो आपको क्या दिमाग में रखना है, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग है फिर तो पार्टिसिपेटिंग है, लेकिन अगर साइलेंट है तो आपको मान के क्या चलना है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। दूसरी चीज, आपको क्या मान के चलना है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि नॉन क्यूमुलेटिव है फिर तो नॉन क्यूमुलेटिव है, बात खत्म। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस साइलेंट है तो क्या मान के चलना है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव, ठीक है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इश्यू करती है और कंपनी ने दो साल का डिविडेंड पे नहीं किया, लेट से 1920 का भी डिविडेंड पे नहीं किया था, 21-22 का भी डिविडेंड पे नहीं किया कंपनी ने, राइट, और अब इन ईयर्स का डिविडेंड कंपनी पे भी नहीं कर सकती क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है, तो ऐसे केस में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट परमानेंट वोटिंग राइट इन द कंपनी। क्यों? क्योंकि लाइफ लॉन्ग उनका दो साल का डिविडेंड क्या रहेगा, अनपेड रहेगा, राइट। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है, कंपनी ने इस साल का पे नहीं किया, तो वो अगले साल में ऐड ऑन हो जाएगा। कंपनी ने इस साल का पे नहीं किया तो अगले साल में ऐड ऑन हो जाएगा और कंपनी वो पे कर सकती है, और कंपनी जैसे ही उनका डिविडेंड पे कर देगी उनके पास हर मैटर में वोट करने का राइट खत्म हो जाएगा, राइट। इसीलिए कंपनी हमेशा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है और हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, ठीक है जी। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। आपकी बुक में क्या दे रखा है ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर्स कॉमनली रेफर्ड टू एज द ऑर्डिनरी शेयर ऑल्सो रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप, तो मतलब कुल मिलाकर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हम ओनर्स कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो जी सेक्शन 43 में जो दिया गया है वो बता रखा है कि जी इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, राइट। तो इक्विटी कैपिटल एंड फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी आर जनरली बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट विल, मतलब इन्होंने क्या लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब समझिए आप, पारी पासू का मतलब क्या होता है, पारी पासू वर्ड आप बहुत बार सुनेंगे। पारी पासू का मतलब होता है कि मान के चलिए जब कंपनी फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है ए को बी को सी को डी को, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उनको इक्विटी शेयर्स इशू किए गए, लेट से 10 रुपए की फेस वैल्यू थी शेयर की, तो इनको 10 रुपए का एक शेयर मिलने वाला है। फिर जी कंपनी ग्रो करने लगी, एस्टेब्लिश हो गई, कंपनी ने और शेयर्स इशू करे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, अभी पब्लिक इशू नहीं लेके आई कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, लेट्स लेट से एक्स वाई जेड,
और इनको जो शेयर्स दिए गए तो फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही थी, लेकिन इनसे प्रीमियम भी लिया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी है, कंपनी का बिजनेस फ्लोरिश हो चुका है और अब जो नया इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उससे प्रीमियम लिया जाएगा, राइट। तो मान के चलते हैं जी कंपनी ने इनसे सिक्योरिटी प्रीमियम लिया 40 रुपए और इनको 50 रुपए का एक शेयर दिया। एबीसीडी को वही शेयर सिर्फ फेस वैल्यू पे मिल गया था 10 रुपए में, क्योंकि इन्होंने कब शेयर लिए थे कंपनी के, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक्स वाई जेड को वही इक्विटी शेयर कितने का मिला? 50 रुपए का। इनको 40 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम देना पड़ा, 10 रुपए की फेस वैल्यू भी देनी पड़ी। तो जी इनको सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए देना पड़ा क्योंकि अब कंपनी एस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है और कंपनी यही शेयर पब्लिक को ऑफर करती है 500 रुपए का, जिसमें 10 रुपए कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है और बाकी 490 रुपीज क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, तो वही शेयर है, उतनी ही फेस वैल्यू है, लेकिन एक को सिर्फ फेस वैल्यू पर मिल गया, दूसरे को 50 रुपए में, तीसरे को 500 रुपए में, राइट। अब यहां पर कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रही है, क्योंकि कंपनी अगर पब्लिक इश्यू लेके आ रही है तो इसका मतलब कंपनी के पास अब बहुत हैवी प्रोजेक्ट है, और कंपनी पब्लिक इश्यू लेके आ रही है और लोग उस कंपनी के पब्लिक इश्यू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो गया, कंपनी के बिजनेस पर ट्रस्ट हो गया और कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी बनने जा रही है, इसलिए कंपनी अब अपने इन्वेस्टर से एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रही है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जी एक ने 10 रुपए दिए, दूसरे ने 50 रुपए दिए, तीसरे ने 500 रुपए दिए, क्या इन सबके पास अलग अलग राइट्स है? द आंसर इज नो। कंपनी जब भी इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास सेम राइट होगी। जब हम नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो कंपनी जब भी इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी, चाहे शुरुआत में कंपनी ने कोई प्रीमियम नहीं लिया, बाद में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लिया, उसके बाद और ज्यादा प्रीमियम लिया, अल्टीमेटली जो राइट ए बी सी डी के पास थे वही राइट एक्स वाई जेड के पास है और वही राइट पब्लिक इश्यू में जो शेयर्स ले रहे हैं उनके पास है। तो पारी पासू का मतलब कि एवरीवन शैल बी कंसीडर्ड ऑन द सेम फुटिंग, एवरीवन शैल बी हैविंग द सेम राइट्स। कोई ये नहीं कह सकता भैया मैंने तो 500 रुपए दे रखे हैं तो मेरे पास ज्यादा बोलने का राइट है या मेरे पास ज्यादा वोटिंग राइट है। द आंसर इज नो। अगर आपने नॉर्मल इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं तो चाहे आपने फेस वैल्यू पर ले रखे हैं, चाहे प्रीमियम पे करके ले रखे हैं, आपके पास कोई भी एडिशनल राइट नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी वजह से आपके पास कोई एडिशनल राइट नहीं आता। इनको भी पर शेयर उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना इनको पर शेयर मिलेगा। हाँ, अगर कंपनी डीवीआर इश्यू कर रही है देन इट विल बी अ डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन अगर नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो कंपनी जब भी इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी हर इक्विटी शेयर होल्डर का सेम राइट कंसीडर किया जाएगा, राइट। और वही चीज आपकी बुक कहने की कोशिश कर रही है और मैं इसीलिए डायरेक्टली बुक से आपको टीच कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ताकि कोई भी ऐसा वर्ड ना रह जाए जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो जी इक्विटी कैपिटल चाहे फर्स्ट टाइम इशू की जा रही है या फर्दर इशू की जा रही है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, राइट, ऑफ इक्विटी इश्यूज ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय द कंपनी आर जनरली बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट दे विल रैंक पारी पासू। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं वो सारे दे विल रैंक पारी पासू, सबको सेम फुटिंग पर कंसिडर किया जाएगा, सबके पास सेम राइट्स कंसिडर किए जाएंगे विद द अर्लियर इश्यू ऑफ द शेयर कैपिटल इन ऑल रिस्पेक्ट। सबके सेम वोटिंग राइट्स होंगे, सबके सेम डिविडेंड्स होंगे। However, as regard dividend declared by the company, such additional capital shall be entitled to divide ratably for the period commencing from the date of the issue. मतलब इतनी बड़ी इन्होंने लाइन लिखी है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक्चुअल में मतलब है कि जब कंपनी ने ए बी सी डी को शेयर्स इशू करे थे, लेट से 2500 शेयर्स ए को, 2500 शेयर्स बी को, 2500 शेयर्स सी को, 2500 शेयर्स डी, तो इनिशियली कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे? 10,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो कंपनी ने 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया।
बट ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी के इनिशियली शेयर्स 10,000 है तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो कितने शेयर्स में डिवाइड होगा, 10,000 शेयर्स में। बाद में कंपनी ने एक्स को वाई को जेड को भी शेयर्स इश्यू करे, लेट्स से एक्स को 5,000 शेयर्स, वाई को 3,000 शेयर्स, जेड को 2,000 शेयर्स। तो जी अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए, 20,000 शेयर्स हो गए। पहले 10,000 ए बी सी डी को, अब न्यू 10,000 शेयर्स एक्स वाई जेड को। तो अब कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा वो 20,000 शेयर्स में डिवाइड होगा। तो जैसे जैसे कंपनी और शेयर्स इश्यू करती जाएगी वैसे वैसे प्रॉफिट उतने ही एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होता जाएगा, राइट। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। आ जाइए जी, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर्स आर, इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स एट ऑल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, दीज वोट्स हैव द effect of controlling the management of the company, but obviously baat hai jab main keh raha hu equity shareholders can vote on every resolution, can vote on every matter, to iska matlab they are controlling the company, right? Equity share have the right to share the profit of the company in the form of dividend and bonus shares. However, even equity shareholders cannot demand the declaration of the dividend. Ye cheez main aapko bata chuka hu ki board of directors dividend recommend karte hain, equity shares cannot demand the dividend. When the company is wound up, payment towards the equity share capital will be made to the respective shareholders only after the payment of claims of all the creditors and the preference share capital. तो ये बात भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो जी यहाँ पर आपकी बुक में लिस्ट दे रखी है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। जैसे कि सेक्शन 47 ने कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। उसके अलावा जी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट इशू का राइट होता है जिसे हम प्री एम्प्टिव राइट कहते हैं। सर ये प्री एम्प्टिव राइट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बोल दो कंपनी लॉ में हम लोग ये चीज पढ़ाते हैं लेकिन मान के चल रहे हैं कि आपने कंपनी लॉ पढ़ा ही नहीं। जब कंपनी इनिशियली इनकॉर्पोरेट होती है तो जी ए ने, बी ने, सी ने, डी ने या ई एफ जी, इन सात लोगों ने मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ठीक है। तो इनिशियल कैपिटल इन्होंने ही प्रोवाइड करी कंपनी को, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया। ए ने कितने शेयर्स लिए, 10,000, एक शेयर 10 रुपए का, तो एक इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1,00,000। मान के चलते हैं बाकी सब ने भी सेम नंबर ऑफ शेयर्स लिए कंपनी। तो सबने 1,00,000 रुपए इनिशियली कंपनी में इन्वेस्ट करे और कंपनी ने 7,00,000 की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इनिशियल रिस्क लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आइडिया डेवलप किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। अब कंपनी मान के चल रहे हैं आफ्टर 2 इयर्स वेल एस्टेब्लिश्ड है, मार्केट में कंपनी का अपना एक नाम है, अपना ब्रांड चलता है, प्रोडक्ट्स लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स जानते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट भी करते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर कंपनी का अपना एक नाम है। अब आफ्टर 2 इयर्स कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है और कंपनी और शेयर्स इश्यू करके कैपिटल रेज करना चाहती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो कंपनी चाहती है लेट से और 5,00,000 रुपए रेज करने बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक। तो कंपनी क्या कहेगी कि भैया हम लोग और शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज करना चाहते हैं, ये जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं जी इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिन्होंने इनिशियल इक्विटी शेयर्स लिए थे कंपनी के, ये क्या कहेंगे कि देखिए सबसे पहले हमने इस कंपनी पर ट्रस्ट किया, हमने आइडिया डिवेलप किया, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, हमने इनिशियल रिस्क लिया,
आज की डेट में कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, राइट? तो अगर कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है बाय इश्यूइंग न्यू शेयर्स, तो सबसे पहले ये शेयर्स कंपनी हमें ऑफर करे, सबसे पहले ये शेयर्स कंपनी हमें ऑफर करे। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स न्यू शेयर्स लेने के लिए तैयार नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो कंपनी ये शेयर्स किसी और को ऑफर कर सकती है। तो जी इसे कहते हैं राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। कि भैया कंपनी जब भी नए शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज करने की बात करेगी, तो जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो कहेंगे जी पहला राइट हमारा है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पहले हमने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया था। तो कंपनी बाहर वालों को शेयर्स इश्यू नहीं करेगी जब तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंपनी में और इन्वेस्ट करने से मना ना करें, राइट? तो इसी ही हम कहते हैं राइट इश्यू। हाँ, खुद कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स कह दे कि भैया अब और इन्वेस्ट करने का मोड नहीं है कंपनी में, या हमारे पास और इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, फिर कंपनी आउटसाइडर्स को शेयर्स इश्यू करके फंड रेज कर सकती है, राइट? तो जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू करती है, उसे हम कहते हैं राइट इश्यू। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट है, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, राइट? तो प्रीएम्प्टिव राइट। राइट्स टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एट द टाइम ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ द कैपिटल बाय द कंपनी, इसके बारे में सेक्शन 62 में दे रखा है, राइट इश्यू के बारे में दे रखा है, प्रेफरेंशियल इश्यू के बारे में दे रखा है सेक्शन 62 में कंपनी लॉ के, ठीक है जी। फिर राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। अब हमने कहा जी इक्विटी शेयर होल्डर के पास जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट है, जनरल मीटिंग में वोट करने का राइट है। हो सकता है जी जनरल मीटिंग कंपनी की मुंबई में है और मैं बींग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी दिल्ली में रहता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए स्पेसिफिकली मुंबई जाने का टाइम निकाल सकूं, या मेरे पास सिर्फ 10,000 शेयर है कंपनी, राइट? अब 10,000 शेयर के लिए जनरल मीटिंग अटेंड करने मुंबई जाऊंगा तो आने जाने में मेरा खर्चा 10,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। तो राइट दिया गया शेयर होल्डर को कि शेयर होल्डर खुद वो जनरल मीटिंग अटेंड ना करके अपने बिहाफ पर किसी और को भेज सकता है जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो अगर किसी और को अपने बिहाफ पर भेज रहा है जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसमें क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। तो ये जी मेंबर का इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है टू अपॉइंट प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग On his behalf. तो मैं अपने बिहाफ पर किसी और को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकता हूँ, अपने बिहाफ पर किसी और को वोटिंग के लिए भेज सकता हूँ, ठीक है जी। फिर राइट टू रिसीव कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब जी एक्चुअल में जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं कंपनी में ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स, उनको मेंबर्स ने तो अपॉइंट किया है। तो जी पूरे साल में कंपनी ने क्या काम किया है वो सब डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेंबर का ये राइट है कि भैया वो कंपनी से कह सकती है लाओ जी हिसाब दो पूरे साल में क्या काम किया। अल्टीमेटली कंपनी मेंबर्स के पैसों से काम कर रही है, तो मेंबर्स ये पूछ सकते हैं लाओ जी दिखाओ पूरे साल में क्या काम किया कंपनी ने, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज द राइट ऑफ द मेंबर टू रिसीव द कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। तो बट ऑब्वियसली बात है अगर मेंबर के पास हर मैटर पर वोट करने का राइट है, तो जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होगी उस मीटिंग का नोटिस मेंबर के पास जाना चाहिए, चाहे किसी मेंबर के पास कंपनी का एक शेयर है, सिंगल शेयर। अगर कंपनी ने जानबूझकर किसी मेंबर को नोटिस सेंड नहीं किया, मान के चलते हैं कंपनी के 10,00,000 शेयर होल्डर हैं और मेरे पास कंपनी का सिर्फ एक शेयर है, और कंपनी ने जानबूझकर मुझे नोटिस सेंड नहीं किया, तो चाहे कंपनी ने बाकी के 9,99,000 मतलब सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा, लेकिन फिर भी लीगली वो मीटिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जानबूझकर मुझे नोटिस नहीं भेजा, एक शेयर होल्डर को नोटिस नहीं भेजा। मेरा राइट है नोटिस रिसीव करना मीटिंग का, वो अलग बात है कि मैं मीटिंग अटेंड करने जाऊं या ना जाऊं। राइट टू इंस्पेक्ट वेरियस स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी।
राइट टू रिक्विजिशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर मेंबर्स को लगता है कि भैया कंपनी को इस पर्टिकुलर मैटर के लिए जनरल मीटिंग बुलानी चाहिए लेकिन कंपनी जनरल मीटिंग नहीं बुला रही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानबूझकर जनरल मीटिंग नहीं बुला रहे क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि भैया हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती होगी और मेंबर्स की मीटिंग बुलाएंगे तो हम मेंबर्स हमें आकर हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो जानबूझकर मीटिंग नहीं बुला रहे, तो सेक्शन 100 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 100 के अंदर मेंबर्स को राइट दिया गया है कि वो खुद से कंपनी की जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको याद हो, आपने कंपनी लॉ पढ़ा हो, तो चैप्टर नंबर 19 एंड 20 ये आपका जनरल मीटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स है कंपनी लॉ का, राइट, और ये सारी चीजें हम लोग वहां पर पढ़ते हैं जनरल मीटिंग से रिलेटेड। उसके अलावा जी कंपनी लॉ के अंदर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा हो तो वो अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड है, तो ये सेक्शन हम उसमें पढ़ते हैं। फिर जी ये सेक्शन भी हम जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके अलावा जी चैप्टर नंबर 2 कंपनी लॉ का शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, तो राइट इशू के बारे में चैप्टर नंबर 2 में बताया जाता है। फिर राइट टू वोट, अगेन ये जो है वो चैप्टर 2 के अंदर हमें बताया जाता है, जिसके अंदर हमें शेयर कैपिटल के बारे में बताया जा रहा है, चैप्टर 2 पार्ट ए। ठीक है जी, उसके अलावा जी क्योंकि लिस्टेड कंपनीज की बात चल रही है, सिक्योरिटी लॉज की बात चल रही है, तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो सिक्योरिटी लॉज भी एप्लीकेबल है और कंपनी लॉ के साथ साथ सिक्योरिटी लॉज के प्रोविजंस भी कंप्लाई करने पड़ेंगे कंपनी को। और जब भी कोई कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवाती है तो उस कंपनी को लोडर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 कंप्लाई करने पड़ते, राइट। तो जी लोडर के अंदर स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स को राइट दे रखे हैं, जैसे कि राइट टू पार्टिसिपेट इन and to be sufficiently informed of decisions concerning the fundamental corporate changes. तो listing agreement के अंदर और loader के अंदर companies के ऊपर obligations लगाई गई है कि company में कोई भी change होता है, खासकर fundamental change, तो company जिस भी board meeting के अंदर उस matter पर decision लेने वाली है, जिस भी general meeting के अंदर उस matter पर decision लेने वाली है, तो जी meeting से पहले ही company वो स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करती है और स्टॉक एक्सचेंज वही इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिसेमिनेट करता है, राइट। तो कुल मिलाकर जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनके पास राइट है कि उनको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन मिले जिसके बेसिस पर वो डिसीजन ले सके कि कंपनी के शेयर्स अपने पास रखने हैं, बेचने या और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर करनी है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड वोट इन द शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग, being informed of the rules including voting procedures that govern shareholders general meeting। तो ये सारी चीजें देखिए जितने भी rights है ये company law के अंदर भी दे रखे हैं और ये सारे rights loader के अंदर भी दे रखे हैं। आ जाइए जी, फिर आपके module में बात कर रहे हैं shares with differential voting rights की। तो सबसे पहले मैं section दिखाऊंगा आपको। सेक्शन 43 ने हमें कहा जी कंपनी या तो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है या प्रेफरेंस शेयर्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो इक्विटी शेयर्स में भी विद द वोटिंग राइट्स और विद द डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। तो जी कौन सी कंपनी इस टाइप के शेयर्स इशू कर सकती है और क्या कंडीशंस है, वो सारी चीजें कहाँ बताई गई, रूल 4 में। सर ये रूल 4 कौन से रूल्स का रूल 4 है, कौन से चैप्टर में ये सेक्शन कवर हो रहा है, सेक्शन 43 कहता है चैप्टर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर हो रहा है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो रूल 4 भी किसका है, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 का। ठीक है जी, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज अनलेस इट कंप्लाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। तो जी कंडीशंस बता रहा है, सबसे पहली कंडीशन क्या बता रखी है कि कंपनी ऐसे शेयर्स तभी इश्यू कर सकती है व्हेन कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसे शेयर्स इश्यू करने का प्रोविजन नहीं है तो सबसे पहले तो कंपनी को अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड करने पड़ेंगे और उसके अंदर ये प्रोविजन इंक्लूड करना पड़ेगा कि कंपनी कैन इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। उसके अलावा जी कंपनी जब ऐसे शेयर्स इशू करेगी
तो कंपनी शेल टेक द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, राइट, प्रोवाइडेड दैट वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड, मतलब अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो सच इश्यू ऑफ शेयर शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू द पोस्टल बैलेट। तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको थ्रू पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा। फर्दर, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने क्या कहा कि मान के चलते हैं जी कंपनी ने नॉर्मल इक्विटी शेयर्स भी इश्यू कर रखे हैं, पहली कंडीशन क्या है, ऑथोराइजेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरी कंडीशन क्या है, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, ऐसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इन्होंने कहा जी पोस्टल बैलेट। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना है ये पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करवाना है। तीसरी कंडीशन इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा मान के चलते हैं जी कंपनी ने नॉर्मल इक्विटी शेयर्स भी इश्यू कर रखे हैं और कंपनी डीवीआर भी इश्यू करने जा रही है या किए हुए हैं पहले भी कंपनी इशू। अब इन्होंने कहा मान के चलते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर्स कितने हैं 1 लाख और नॉर्मल इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है 1 share = 1 vote, तो जी नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितने वोटिंग राइट्स हो गए 1 lakh वोटिंग राइट्स। कंपनी ने डीवीआर कितने इशू जो कर चुकी है प्लस जो करने जा रही है टोटल मिलाकर लेट्स से 25,000 शेयर्स, और जो कंपनी ने ये शेयर्स इशू कर रहे हैं यहां पर वोटिंग राइट्स कितने हैं लेट्स से 1 share = 5 voting rights, तो टोटल मिलाकर कितनी वोटिंग राइट्स हो गए 1.25 lakh वोटिंग राइट्स। टोटल वोटिंग राइट्स कितने हो गए 2.25 lakh वोटिंग राइट्स जो कंपनी ऑलरेडी डीवीआर इशू कर चुकी है और जो अब करने जा रही है, सब मिलाकर टोटल वोटिंग राइट्स कितने हो जाएंगे 2.25 lakh वोटिंग राइट्स, राइट। तो जी कंडीशन बड़ी सिंपल सी है कि आफ्टर द इश्यू ऑफ डीवीआर जितने भी कंपनी के टोटल वोटिंग राइट्स होंगे डीवीआर होल्डर्स के पास उसका 74% से ज्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो आप जब डीवीआर इश्यू कर रहे हैं तो ये दिमाग में रखकर इश्यू कीजिए कि डीवीआर होल्डर्स के पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आफ्टर इश्यूएंस ऑफ डीवीआर जो कंपनी के टोटल वोटिंग राइट्स होंगे उसका डीवीआर होल्डर्स के पास कभी भी 74% से ज्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। दोबारा से कंडीशन पढ़िए, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स With differential rights at any point of time, ठीक है जी। ऐसा ना हो ना कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसे रेस कर रहे हैं पहले नॉर्मल इक्विटी शेयर्स इशू करके, फिर पता चल रहा है जी डीवीआर आप खुद को इशू कर रहे हैं, मैनेजमेंट है जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो खुद को डीवीआर इशू कर रहे हैं और पर शेयर अपने आप को 20-20 वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, और जी मैनेजमेंट ने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है सिर्फ 25,000 शेयर्स में, जबकि जनरल पब्लिक ने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है 1 lakh शेयर्स में, जनरल पब्लिक के पास वोटिंग राइट कितने हैं 1 lakh और मैनेजमेंट के पास 25,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में 20 वोट पर शेयर, तो जी मैनेजमेंट के पास कितने वोटिंग राइट्स हो गए, बहुत सारे हो गए ना, 2,50,000, 5 lakh
तो मैनेजमेंट सिर्फ 25,000 शेयर्स अपने नाम पर इशू कर रही है और मैनेजमेंट के पास 5 लाख वोटिंग पावर है, पब्लिक से 1 लाख शेयर्स के पैसे ले रही है और पब्लिक को सिर्फ 1 लाख वोटिंग राइट्स दे रही है, टोटल वोटिंग राइट्स 6 लाख हो गए। 6 लाख में से मैनेज पब्लिक के पैसे ज्यादा लगे हुए हैं लेकिन वोटिंग राइट्स मैनेजमेंट के पास ज्यादा है, तो ऐसा काम ना हो ना। तो इसलिए इन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि मैक्सिमम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर टीवीआर के पास 74% से ज्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होनी थी टोटल वोटिंग राइट्स का। फिर जी, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू सच शेयर्स। ठीक है जी, अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट कर रखा है तो पहले वो डिफॉल्ट कंपनी शैल मेक गुड, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी एनुअल रिटर्न्स कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगी और उसके बाद ही कंपनी डीवीआर्स इशू कर सकती है। कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स और रीपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योर डिपॉजिट्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट। तो कंपनी ने डिपॉजिट होल्डर्स के पैसे वापिस दे दिए हैं, उनका इंटरेस्ट वापिस दे दिया है, कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया है, पे कर दिया है, राइट। कंपनी ने टाइम पर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे हैं, टाइम पर डिबेंचर्स रिडीम करे हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ उनका प्रिंसिपल नहीं बल्कि उनका इंटरेस्ट भी दिया है। अगर ऐसा कोई भी डिफॉल्ट है तो कंपनी कैनॉट इशू डीवीआर। ऐसी कंपनी को मान के चलेंगे कि भैया कंपनी की मैनेजमेंट पे कैसे ट्रस्ट करे जो लो कंप्लाई नहीं कर रही है, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर रही है। ऐसी कंपनी की मैनेजमेंट पे कैसे ट्रस्ट करे जिसने ऑलरेडी लोगों के पैसे मार रखे हो। तो ऐसी कंपनी की मैनेजमेंट को ये स्पेशल टाइप ऑफ शेयर्स इशू करने की परमिशन नहीं है क्योंकि ऐसी कंपनी की मैनेजमेंट ये शेयर्स कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि अपने बेनिफिट के लिए इशू कर सकती है। तो जी, कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई कि भैया कंपनी साफ सुथरी होनी चाहिए। और कैसे पता चलेगा कंपनी साफ सुथरी है? कि कंपनी ने टाइमली सारी अपनी एनुअल फाइलिंग्स फाइल करी है, एनुअल रिटर्न्स फाइल करी है, कंपनी ने किसी के भी पैसे नहीं मारे, सबका प्रिंसिपल वापस दिया है, सबका इंटरेस्ट वापस दिया है। उसके अलावा कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन। तो कंपनी ने अगर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी शेड्यूल्ड बैंक से, किसी स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो जी टाइमली वो रिपे किया है प्लस उसका इंटरेस्ट टाइमली रिपे किया है। उसके अलावा एम्प्लॉइज का कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है, राइट। ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू स्टेचुरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को एज पर लॉ बोनस देना चाहिए था कंपनी ने बोनस दिया है, जो ग्रेचुटी देनी चाहिए थी ग्रेचुटी दी है, राइट। हाँ, प्रोवाइडेड दैट कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिफॉल्ट वॉज मेड गुड। अगर कंपनी ने यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट किया है, यहाँ पर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है, कोई टर्म लोन लिया था और टाइम पर वापस नहीं किया, या इंटरेस्ट टाइम पर वापस नहीं किया, या इम्प्लॉइज के स्टेचुटरी ड्यूज नहीं दिए थे, राइट। तो जी, जब कंपनी वो पैसा दे देगी उसके भी अगले 5 सालों तक कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर सकती। 5 सालों के बाद कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है, पैसा देने के भी 5 सालों के बाद, ठीक है जी। उसके अलावा कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द आरबीआई एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फेमा या एनी अदर स्पेशल एक्ट। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रखी है और कंपनी लॉ में ये सारा डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी लॉज की बात करते हैं तो आपकी बुक में इन शॉर्ट ये चीज दे रखी है, दे रखे ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द इशू, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। उसके अलावा जी, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन हमने पढ़ा एज पर कंपनी लॉ अगर कंपनी लिस्टेड है तो
तो सच रेजोल्यूशन शैल बी पास थ्रू द पोस्टल बैलेट। उसके अलावा जी जितनी भी कंडीशंस वहां हमने पढ़ी यहाँ पर इन शॉर्ट आपको दे रखी, ठीक है जी। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एज पर सेक्शन 55 कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम फॉर 20 ईयर्स। हाँ, अगर कंपनी का प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और कंपनी उस प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज कर रही है तो उस केस में वहां एक्सेप्शन दे रखी है कि इन सच केस कंपनी कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स इन 30 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ईयर। मतलब रिडम्पशन उस केस में भी 21st ईयर से स्टार्ट हो जाएगी और हर साल 10% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करके मैक्सिमम 30 ईयर्स में कंपनी को रिडम्पशन कंप्लीट करनी होती है। लेकिन वो कंपनी लॉ का पार्ट है, फिलहाल सिक्योरिटी लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके बुक में दे रखा है आपको क्या याद रखना है कि कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम फॉर 20, ठीक है जी। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, इन सबका सिर्फ एक चार्ट टाइप में बना के दे दिया आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, बट एक्चुअल में इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ और यहाँ पर लिख दिया गया कि जी आपको लेसन नंबर 2 कंपनी लॉ का रेफर करना है, बट मैंने आपको ये सारी चीज डिटेल में समझा दी है और मैं नोट्स में भी ये सारी चीज आपको डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द डिबेंचर्स।